हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। सो इस वीडियो में आज हम फटाफट रिवाइज करेंगे अपना सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1। यस, जो आपका बोर्ड मीटिंग्स पे है। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करते हैं। जो आपका आईसीएसआई का मॉड्यूल है उसमें आपके 34 पेजेस का सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड दे रखा है, तो वहां से मत करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए ये वीडियो में शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊंगी, बट सारी चीजें हम इसमें रिवाइज करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, इसकी सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। ये आपकी सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू कोरम, रिलेटेड टू नोटिस, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, वो सारी चीजें इस पर, इन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, नाउ कन्वीनिंग अ मीटिंग, एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में कभी भी एट एनी टाइम समन, यानी आस्क फॉर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द सीएस और इन हिज एब्सेंस एनी पर्सन जो आपका ऑथराइज्ड है बाय बोर्ड इन दिस बिहाफ शैल कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। चेयरमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, बट अगर चेयरमैन नहीं है तो एमडी, एमडी नहीं है तो आपका होल टाइम डायरेक्टर, इन तीनों में से कोई एक का आप कंसल्ट करके फिर उसके बाद आप जो है मीटिंग बुला सकते हो। चेयरमैन मे एडजर्न द मीटिंग फॉर एनी रीजन। ठीक है, कभी भी वो किसी भी रीजन की वजह से मीटिंग एडजर्न कर सकता है, बट रिमेंबर जो आपका कोरम है, अगर कोरम पूरी है, वैलिड कोरम है एंड द एडजर्नमेंट इज ऑब्जेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, मतलब बेसिकली क्या है कि वो कभी भी, चेयरमैन कभी भी आपकी मीटिंग एडजॉइन कर सकता है, बोर्ड मीटिंग एडजॉइन कर सकता है, बट एक कंडीशन है, जब कोरम कंप्लीट है उस केस में वो नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एज पर लॉ जो रिक्वायरमेंट है एक वैलिड बोर्ड मीटिंग की वो फुलफिल हो रही है। नाउ कब कब हो सकती है, डेट, टाइम, मोड, प्लेस, सीरियल नंबर ऑफ द मीटिंग। देखो, हर एक मीटिंग का एक सीरियल नंबर होता है और शैल लिखा है, मतलब जरूरी है। एवरी बोर्ड मीटिंग शैल हैव अ सीरियल नंबर। बोर्ड मीटिंग मे बी कन्वीन एट एनी टाइम एंड प्लेस ऑन एनी डे। क्यों? ये रीजन क्या है? देखो, आपने जब SS2 पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो जनरल मीटिंग है वो कभी भी नहीं हो सकती, उसमें कुछ रूल्स हैं। बट बोर्ड मीटिंग के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, बोर्ड मीटिंग जो हो रही है अपने डायरेक्टर्स के बीच में हो रही है। थोड़े से डायरेक्टर्स होते हैं, इतने शेयर होल्डर्स की तादाद में तो होते नहीं है डायरेक्टर्स। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी वो मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, अनलाइक इन केस ऑफ जनरल मीटिंग जो हमने SS2 में पढ़ा है। ओके, नाउ बोर्ड मीटिंग में बी हेल्ड एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट एनी प्लेस बीएम इफ कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो रही है, शैल बी डीम्ड टू बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, द डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कुछ केसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप वो मैटर्स डिस्कस नहीं कर सकते, आप वो एजेंडा डिस्कस नहीं कर सकते। वो क्या है? अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस एंड मैटर्स रिलेटिंग टू एमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टेकओवर, और साथ ही में आपका ऑडिट कमेटी से रिलेटेड भी है। ठीक है, ये सब मैटर हम क्यों नहीं कर सकते जब हम सारी चीजें बोर्ड मीटिंग की कर ही रहे हैं? तो वाई नॉट दीज एजेंडाज? क्यों? क्योंकि ये बहुत क्रूशियल एजेंडाज होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें आपका क्या होता है, सारा रोल आपका शेयर होल्डर्स का भी आता है। ये एक ब्रॉड लेवल पे होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, और जो भी आपके ऑडिट कमेटी से रिलेटेड होते हैं तो उसमें भी ऑडिट कमेटी। देखो आगे पढ़ो, ये तो COVID-19 का है, ऑब्वियसली COVID-19 के टाइम पे थोड़ी सी चेंजेस हुए थे और वो नेशनल लेवल पे इमरजेंसी क्रिएट हुई थी, इसलिए ऐसे चीजों में तो आपके थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, तो इसको निग्लेक्ट करना। सिमिलरली, पार्टिसिपेशन इन एनी डिस्कशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल नॉट बी अलाउड इन मीटिंग्स ऑफ द ऑडिट कमेटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड मतलब दो तीन कंपनीज का मिलाकर जो होता है, इफ एनी टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ अभी ये सारा आपका ओवर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नोटिस, बोर्ड मीटिंग का नोटिस। हम अगर सेक्शन की बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो हम सेक्शन 773 में पढ़ते हैं नोटिस के बारे में, एंड 174 में क्या पढ़ते हैं? 174 में पढ़ते हैं हम कोरम के बारे में, एंड इसमें हम बोर्ड मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जो भी चीजें आपने कंपनी लॉ में पढ़ी है वो तो है ही, बट एक स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि इस तरीके से ये चीज एक्चुअल में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, राइट? तो देखो, नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स बाय हैंड और स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय ईमेल एट द पोस्टल और ईमेल एट रजिस्टर्ड बाय द विद कंपनी। तो जो भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स की उसके एड्रेस, मेल वगैरह सब दी हुई है, आप सब पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, बाय हैंड और स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय ईमेल, ईमेल पे भी आप कर सकते हो, एट द पोस्टल ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी शैल बी मेंटेन्ड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार मार्क लगा देना। प्रूफ ऑफ डिलीवरी शैल बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए आपको मेंटेन करके रखना है अपने डेटा में कि आपने डिलीवर किया है। अब भाई मेल भेजोगे, मेल का भी होता है, और जैसे भी आप रजिस्टर्ड
पोस्ट के हिसाब से, स्पीड पोस्ट, सबके आपके पास जो है एविडेंस रहेंगे. नोटिस शैल बी इश्यूड बाय सीएस और इन एब्सेंस बाय एनी डायरेक्टर और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड. जो ये सारे काम होते हैं ये सीएस के होते हैं, चाहे जनरल मीटिंग का हो चाहे इसका हो. नोटिस इशू करने का सीएस का होता है, लेकिन अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड. नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल क्लियरली स्टेट द डेट, प्लेस, टाइम, वेन्यू ऑफ द मीटिंग. कहाँ पे आना है, कितने बजे आना है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए. ठीक है, जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट करने की चीज है वो भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट जो है उसमें आप लोगों को बताया हुआ है. थॉरली प्लेलिस्ट है ड्राफ्टिंग सीरीज 2023, आप ये चेक कर सकते हो चैनल पर जाकर. ठीक है, उसके बाद हम इस पॉइंट पर थे. नोटिस शैल स्पेसिफाई ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन इफ अलाउड. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन अलाउ कर रहे हो तो जो भी डायरेक्टर उस इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू मीटिंग अटेंड करना चाह रहा है वो इंटीमेट कर दे चेयरमैन को और सीएस को सफिशियंटली इन एडवांस. ऐसे नहीं कि उस दिन बोल रहा है कि अरे मैं तो नहीं आऊंगा, मैं क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर लूं. नहीं, आपको इन एडवांस बताना पड़ेगा. डायरेक्टर मे गिव सच इंटीमेशन एट द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर. सबको पता होता है उसने क्या करा. अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर है, उसने जो भी उसका कैलेंडर ईयर है, फॉर से एग्जाम्पल आपका अक्टूबर में वो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें वो मेंशन कर देगा स्टार्टिंग में कि मैं पर्टिकुलर इस मंथ में अवेलेबल नहीं हूं. तो अगर इस दिन आप मीटिंग रखते हो, कोई भी बोर्ड मीटिंग होती है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से करूंगा. ठीक है, अब अगर उसने लिख दिया पहले अक्टूबर में एंड द एब्सेंस ऑफ एनी एडवांस कम्युनिकेशन इज अबव एज अबव. अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, देखो इस चीज को क्लियरली समझो. उसने बोला पहले तो वो इंटीमेट कर सकता है कैलेंडर ईयर में पहले भी, ठीक है, कि मैं इस पर्टिकुलर मंथ में अवेलेबल नहीं हूं तो आई अटेंड द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. बट इन केस अगर उसने पहले इंटीमेट नहीं करा है, स्टार्टिंग कैलेंडर ईयर में इंटीमेट नहीं किया है, तो माना जाएगा कि वो फिजिकली ही प्रेजेंट होगा. नोटिस शैल बी गिवन, नोटिस शैल कंटेन द कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस ऑफ द चेयरमैन, और अगर चेयरमैन नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज इन दिस बिहाफ. भाई क्यों देना चाहिए नोटिस में सारी डिटेल्स? वो इसलिए देनी चाहिए ताकि अगर कोई भी यू नो कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए, अगर कोई भी आपको पूछना है, कोई क्वेरी है वेन्यू से रिगार्डिंग है, कैसे भी टाइमिंग से रिलेटेड, तो वो उस कॉन्टेक्ट से आपको पूछ सके. इवन इफ द मीटिंग्स आर हेल्ड ऑन प्री डिटरमाइंड डेट्स नोटिस शैल बी गिवन. नोटिस तो उसमें भी जाएगा. नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग. आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब अ लॉन्गर टाइम. इफ कंपनी सेंड्स अ नोटिस बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, एडिशनल 2 days शैल बी एडेड फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस. तो वैसे तो एज पर लॉ आपका 7 days है, ठीक है. आर्टिकल्स में आप लॉन्गर पीरियड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और अगर आप जो नोटिस है वो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो तो एडिशनल 2 days शैल बी एडेड फॉर द सर्विस ऑफ द नोटिस. एडेड मतलब एक दिन जाने का और वहां पहुंचने का, आप ये दोनों इंक्लूड कर लोगे उसमें. नोटिस ऑफ द एडजॉइन मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग दोज हु डिड नॉट अटेंड द ओरिजिनल मीटिंग. ठीक है, वो ये बोल रहा है कि इन केस आपकी ओरिजिनल मीटिंग में कुछ डायरेक्टर्स नहीं आए और अब मीटिंग एडजॉइन हो गई, तो क्या आप उन डायरेक्टर्स को नहीं, जो एब्सेंट थे डायरेक्टर्स, क्या उनको आप नोटिस नहीं भेजोगे? तो वही कह रहा है, नोटिस ऑफ एन एडजॉइंट मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स. एडजॉइंट मीटिंग का नोटिस भी सारे डायरेक्टर्स को जाएगा, चाहे वो ओरिजिनल मीटिंग में प्रेजेंट हो चाहे ना हो. एंड इफ द डेट ऑफ एडजॉइंट मीटिंग इज नॉट डिसाइडेड एट द ओरिजिनल मीटिंग, नोटिस ऑफ 7 days शैल बी गिवन फॉर सच एडजॉइंट मीटिंग. देखो होता क्या है, कभी कभी जो आपकी ओरिजिनल मीटिंग होती है वो किसी वजह से एडजॉइन हो गई, तो हम ये बोल देते हैं वहीं की वहीं कि यार ये 4 दिन बाद होगी, ठीक है. बट अगर ऐसा नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या है, नोटिस जाएगा. द नोटिस एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा शैल बी सेंड टू ओरिजिनल डायरेक्टर. अब ये क्या बोल रहा है कि किसी जैसे हमारी कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ठीक है. ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? जो ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह आकर कुछ टाइम के लिए सीट लेता है. क्यों? क्योंकि जो आपका डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर वो एब्सेंट है, वो कहीं बाहर गया हुआ है, ठीक है. तो उस केस में अगर उसके पीछे कोई मीटिंग हो रही है तो क्या उसको उस चीज की भनक होनी चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली होनी चाहिए. तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि नोटिस एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा शैल बी सेंट टू द ओरिजिनल डायरेक्टर ऑल्सो एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी इवन इफ दीज हैव बीन सेंट टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर. साफ सीधी बात है, डायरेक्टर का पूरा हक है, उसको हर चीज की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है. चलो, नोट्स ऑन आइटम्स ऑफ बिजनेस विच आर इन नेचर ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मे बी गिवन एट द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देन स्टेटेड अबव. मतलब जैसे हमने 7 दिन बोले हैं, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सेंसिटिव है और हमें डर है कि वो लीक हो जाएगी अगर हमने ज्यादा टाइम पहले सर्कुलेट कर दी, तो उस केस में हम उसको थोड़ा सा और कम टाइम में, शॉर्टर पीरियड में नोटिस सेंड कर सकते हैं. अब ये वाला जो पॉइंट है ये एज पर लॉ में नहीं दे रखा है, ये आपके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में दे रखा है, इसलिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स पढ़ने इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, सो विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स विच शैल इंक्लूड एटलीस्ट वन डायरेक्टर, वन सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, विच शैल इंक्लूड
एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी एंड द कंसेंट ऑफ द बोर्ड फॉर दिस मे बी टेकन बाय द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड हेल्ड इन द एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड ऑल्सो व्हेनेवर देयर इज एन चेंज इन डायरेक्टर्स. Okay, the approval of means of resolution is required. A draft of such resolution shall be either set out in the note or placed at the meeting. समझ में आया इतना? अब last point आपका notice का. Any item not included in the agenda may be taken up for consideration with the permission of the chairman and with the consent of the majority of the directors present in the meeting. वो ये बोल रहा है कि अगर specifically कोई agenda हमें तब transact करना है और हम उस एजेंडा को ना उसमें लिखना भूल गए नोटिस में, तो क्या हम कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम चेयरमैन एंड विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द मीटिंग. द डिसीजन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम शैल बी फाइनल ओनली आफ्टर अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द मीटिंग और इट इज रेटिफाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है, मतलब आप कोई भी नई चीज एकदम से ले आए तो पहले तो आपको पूछना पड़ेगा ना, और फिर उसके बाद अगर मेजॉरिटी अप्रूव्ड करती है, उसको अप्रूव करती है, देन इट्स फाइन. Now, next आपका है frequency of meetings. अब ये जो है ये सबको पता होगा, majority students know this, but हमें फिर भी पढ़ना है. At least 4 board meetings should be held in a calendar year. 4 meeting आपको करनी ही करनी है. Maximum gap कितना होना चाहिए? 120 days. ठीक है? Approx 4 months. Between 2 consecutive meetings. दो meetings के बीच में आप 120 से ज्यादा दिन नहीं कर सकते. ठीक है? And a company shall hold its first board meeting within 30 days of incorporation. जिसमें कि आप सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है. नोटिस ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कि कौन कौन से एजेंडा पास होते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होती हैं इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. तो जिसको भी वो देखनी है कि उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी. आप मेरी ड्राफ्टिंग सीरीज देख सकते हो 2023 की. आपको जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओपीसी स्मॉल कंपनीज डोरमेंट कंपनीज उन पर वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है पूरा SS1, बट शैल होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग शैल नॉट बी लेस देन 90 डेज. तो इन लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट है. एडजॉइंट मीटिंग बीइंग अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग द इंटरवल पीरियड इन सच केस शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग. अब वो ये गैप की बात कर रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. तो अगर कोई मीटिंग अगर एडजॉइंट होती है तो जो डेट आपकी ओरिजिनल मीटिंग की थी, ओरिजिनल मीटिंग की, हम वहीं से उसको काउंट करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ मीटिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर. एक बार तो मिल लो कम से कम. ठीक है, एजेंडा ऑफ मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल इंक्लूड. अब वो मीटिंग में बैठ के करेंगे क्या? तो उनका ये काम होता है टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट, ठीक है, डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड एज अ होल, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरमैन, टू असेस द क्वालिटी क्वांटिटी एंड टाइमलीनेस ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द कंपनी मैनेजमेंट एंड द बोर्ड एंड इट्स मेंबर, डज इट नेसेसरी फॉर द बोर्ड टू इफेक्टिवली एंड रीजनली परफॉर्म देयर ड्यूटीज. बेसिकली ये पूरा आपका मैनेजमेंट जो है ओवरऑल वो रिव्यू करते हैं. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सबको पता है एज पर सेक्शन 149 इनका क्या काम होता है. ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका कोई कंपनी से एज सच लेना देना नहीं होता, ना पिक्यूरी रिलेशनशिप होती है, ना डेट होता है, ना इन्वेस्टमेंट होती है, ना सिक्योरिटी होती है, ना मैनेजमेंट में होते हैं ये लोग. इनका ओवरव्यू लेना और ऊपर बैठना सिर्फ एक सुपरविजन वाला काम होता है. ठीक है, जो हमसे ये ज्यादा लिटरेट होते हैं, फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं, उनको सब पता होता है एज पर लॉ. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की. नाउ कोरम. कोरम आपका कौन सा सेक्शन है? दैट इज सेक्शन 174 आपका कंपनीज एक्ट का. तो शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग. कोरम जो है वो आपकी थ्रू आउट चलेगी. ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नीदर बी एंटाइटल टू पार्टिसिपेट Not be called for the purpose of the quorum in respect of any item of the business in which he is interested. मतलब अगर कोई person interested, अब interested का मतलब क्या होता है? अगर for example कोई भी transaction हो रही है, say for example किसी property से dealing की बात चल रही है company में, और उसमें जो एक आपकी company में ही director है वो interested है. interested कैसे है? वो किसी ना किसी तरीके से उस property से relate करता है. ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और उसका रीजन क्या होता है? वरना बायस डिसीजन हो सकता है, वो अपने फेवर में कर सकता है, अपने कंपनी के अगेंस्ट जा सकता है. राइट, तो इसलिए लॉ ने बोला है कि जो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा वो ऑल टुगेदर कंपनी में ही पार्टिसिपेट, सॉरी, वो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इफ द आइटम ऑफ द बिजनेस इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देन सच डायरेक्टर शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ड्यूरिंग डिस्कशन और वोटिंग ऑन सच. मतलब वो तो प्रेजेंट ही नहीं होगा. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो आपका सेक्शन 188 है, अगर उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस केस में तो उस डायरेक्टर को बुलाओ ही मत. डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन अ मीटिंग शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि अगर डायरेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेजेंट हो रहा है, अटेंड कर रहा है मीटिंग, तो वो कोरम में प्रेजेंट होगा, उसकी प्रेजेंस मानी जाएगी. ठीक है, द कोरम शैल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स or two directors, whichever is higher.
एनी फ्रैक्शन कंटेंट अबव 1/3 शैल बी राउंडेड टू नेक्स्ट टू 1 आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर हायर कोरम. ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है एज पर सेक्शन 144 174, याद रखना 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 2 व्हिचएवर इज हायर. इफ द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, द रिमेनिंग डायरेक्टर प्रेजेंट इन मीटिंग नॉट बीइंग लेस देन 2, मतलब एक नहीं होना चाहिए, 2 है, तो शैल बी कोरम, शैल बी द कोरम फॉर सच आइटम. ठीक है, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर ज्यादा हो गए और जो आपकी लिमिट है उससे ही ज्यादा हो गए तो क्या होगा, आप जो नेक्स्ट 2 है आप उन्हीं को ले लोगे, आप फिर ये नहीं देखोगे कि ये ज्यादा ये वो ज्यादा. ठीक है, फिर 2 जो है वो कोरम जो हो जाएगी उसकी वो मानी जाएगी. इफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड वांट ऑफ कोरम, द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम प्लेस एंड द डेट इज अ नेशनल हॉलीडे टू द सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे एंड द सेम टाइम प्लेस वेयर देयर इज नो कोरम एट अर्जेंट मीटिंग ऑल्सो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड. इसका क्या मतलब है, अगर मीटिंग आपकी इसलिए नहीं हुई कि कोरम प्रेजेंट नहीं है, जो अभी हमने बात करी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 अगर उतना भी नहीं है तो आपकी जो मीटिंग है वो साथ के साथ एडजर्न हो जाएगी. ठीक है, और सेम डे मतलब नेक्स्ट वीक सेम डे, जैसे मंडे को हो रही है तो नेक्स्ट वीक मंडे को ही होगी, सेम टाइम होगी, सेम प्लेस होगी, और अगर उसे नेशनल हॉलीडे है तो उसके जस्ट अगले दिन होगी विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, वही टाइम वही प्लेस. ठीक है, एंड अगर जैसे ये वाली जो सिचुएशन थी वो क्या थी कि कोरम नहीं थी इसलिए एडजर्न हुई, तो अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है, सुनो, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं पाई गई तो वो वहीं की वहीं कैंसिल हो जाएगी, मतलब वो आगे एडजर्न नहीं होगी. यही काम नहीं करते रहेंगे कि भैया एडजर्न एडजर्न करते रहो, एक बार एडजर्न करेंगे वांट ऑफ कोरम की वजह से, अगर नेक्स्ट में भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहीं की वहीं कैंसिल. इफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द कोरम fixed by the act for a meeting of the board, the continuing director may call board meeting for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum or for calling the general meeting of the company and for no other purpose. वो ये कह रहा है कि अगर for example if the number of total directors reduce हो जाते हैं quorum से, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो लास्ट पॉइंट क्या था कि इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर कोरम से कम हो जाते हैं तो उस केस में जो बोर्ड मीटिंग है दूसरी बुला सकते हैं जस्ट टू फिक्स द कोरम. ठीक है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स, सो टू दैट फिक्स फॉर द कोरम और फॉर कॉलिंग जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और फॉर एंड फॉर नो अदर पर्पज, किसी और पर्पज के लिए आप नहीं बुला सकते, सिर्फ वॉन्ट ऑफ कोरम के लिए आप दूसरी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अटेंडेंस एट द मीटिंग्स. अटेंडेंस एट द मीटिंग्स मतलब कि जो भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट है उनकी अटेंडेंस को हमें एक चेक रखना है, मेंटेन करना है. तो एवरी कंपनी शैल मेंटेन अटेंडेंस रजिस्टर फॉर द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी, मतलब सारी मीटिंग्स का जो है लोका जोका आपको हर एक रजिस्टर में मेंटेन करना है, अलग अलग पेजेस आपको सीरियली नंबर्ड होने चाहिए. ठीक है, और अगर आप लूज शीट में रखते हो उनको तो आप उनको एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स पीरियोडिकली बाउंड कराओ. अटेंडेंस रजिस्टर शैल कंटेन सीरियल नंबर होना चाहिए, देखो इसमें आपका क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ द मीटिंग, प्लेस टाइम of the meeting, names and signature of the directors, the CS and also the person attending the meeting by invitation. तो जो भी लोग हैं उन सबके नाम आएंगे और उनके सिग्नेचर आएंगे ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन रह सके. The attendance register shall be deemed to have signed by all the directors. सारे साइन करेंगे, participating through electronic mode. Shall be deemed to have been signed by this if the attendance is recorded and attendance register authenticated by the or in his absence chairman of the director. मतलब उसकी जो देखो सारे directors तो साइन करेंगे बट जो इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले हैं उनकी कंफर्मेशन कौन देगा, ऑथेंटिकेट करेगा सीएस या सीएस के एब्सेंस में चेयरमैन और एनी डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग. ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर शैल मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस में आप इसके जो रजिस्टर है उसको मेंटेन रखोगे. रजिस्टर जो है, अब देखो ये जो है ना ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपका जो क्वेश्चन आया था पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका इसी में से आया था. अटेंडेंस रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर सीएस सेक्रेटरी ऑडिटर. ठीक है, इवन आफ्टर पर्सन सीजेस टू बी अ डायरेक्टर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ द मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप. इसी में से आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन आया था जो मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया था अ नंबर ऑफ द, और ये उस वाली वीडियो में इसीलिए किया था क्योंकि ये आपका एस एस वन में से आया था, जस्ट टू मतलब फोकस करने के लिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से मैं इसका रिविजन करा रही हूँ. अ नंबर ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉट एंटाइटल टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर. ठीक है, वहां तो मिनट्स की बात हो रही थी कि मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, यहां पर आपकी रजिस्टर की बात हो रही है.
तो जो अटेंडेंस रजिस्टर है डायरेक्टर्स का भी, वो डायरेक्टर सीएस और सेक्रेटरी ऑडिटर ही कर सकते हैं, वो भी अपनी डायरेक्टरशिप में, अपने मतलब टेन्योर में जो भी पोस्ट पे है वो। उसके बाद जब वो सीज हो जाती है पोजीशन, छोड़ दिया, रिटायर हो गया, जो भी था, तो इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो भी सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने टेन्योर के अंडर जिसमें वो खुद थे, ठीक है, और मेंबर तो कर नहीं सकता। अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड, ये जो आपको अटेंडेंस रजिस्टर प्रिजर्व करके रखना है वो है पूरे 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक, ठीक है, उसके बाद आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो बट विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी इन द कस्टडी ऑफ द सीएस, देखो इतनी अथॉरिटी, इतनी सारी पावर होती है आप लोगों के पास, मिनट्स, अटेंडेंस रजिस्टर सारे सीएस के पास रहते हैं, और इन एब्सेंस इन द कस्टडी ऑफ एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, भाई बोर्ड का पार्ट है सीएस, ठीक है। लीव ऑफ एब्सेंस शैल बी ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर ओनली व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर सच लीव हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द सीएस। लीव ऑफ एब्सेंस ऑब्वियसली आप तभी दोगे जब वो मांगेगा, तो इसमें तो कोई नई चीज है नहीं। और अगर देखो कोई डायरेक्टर है वो किसी भी मीटिंग में नहीं आता पिछले पूरे कैलेंडर ईयर में 12 महीने में, किसी भी मीटिंग में नहीं आता है, ठीक है, और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, तो उसका जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाएगा। द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इन केस द डायरेक्टर एब्सेंस हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। तो मतलब उसने परमिशन भी नहीं ली और वो सारी की सारी मीटिंग से क्या हुआ, वो एब्सेंट होता चला गया, ठीक है। नाउ चेयरमैन, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ चेयरमैन, द डायरेक्टर्स मे इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ्स एंड बिकम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। इफ नो सच चेयरमैन इज इलेक्टेड और द चेयरमैन इज अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ्स टू चेयर। ठीक है, तो वही चीज होती है। वैसे तो पहली जो प्रायोरिटी होती है वो चेयरमैन को दी जाती है, बट इन केस अगर चेयरमैन नहीं है तो जो डायरेक्टर्स हैं उसी में से वो कर सकते हैं। इफ द चेयरमैन इज इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द बिजनेस, he shall entrust the conduct of the proceedings in respect of such item to any non-interested director with the consent of the majority of directors present and resume the chair after the item of the business has been transacted. However, in the case of the private company, the chairman may continue to chair and participate in the meeting after disclosure of the interest. अब ये बहुत important point है discuss करने का। हमने अभी तक बात करी थी कि अगर interested director है तो उसका क्या role होता है, वो company में participate करता है नहीं करता है, वो हमने देखा। But if in case chairman interested in any item of the business, तो वो क्या करेगा, वो उस ट्रांजैक्शन के लिए किसी और डायरेक्टर को अपनी चेयर पे बिठा देगा, वो मीटिंग कंटिन्यू करेगा और उसके बाद चेयरमैन दोबारा उस अपनी चेयर पे तब आएगा जब वो जो आपका ट्रांजैक्शन है जिसमें चेयरमैन इंटरेस्टेड था वो चला जाएगा। आया समझ में, ठीक है। और लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में वो बैठा रहता है अपनी चेयर पे बैठा रहता है और मीटिंग को चलाता है, बस अपना जो इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज कर देता है कि भाई ये जो आइटम है ना इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। If the item of a business related to related party transaction, the chairman shall not be present at the meeting. Same है, जैसे directors के treat करा जा रहा है, ऐसी chairman को treat करा जाएगा। Whether physically or electronic mode during discussion and voting on such item, मतलब कहेंगे कि भैया present ही मत हो अगर आपका interest है। In case of an equality of votes, the chairman shall have a second and casting vote. ये तो बहुत बार इस पर तो question भी आ गया कि अगर tie हो जाता है, तो chairman फिर अपना vote cast करता है, ठीक है? Now passing resolution by circulation. तो इसमें बिजनेस दैट रिक्वायर्स अर्जेंट डिसीजंस कैन बी अप्रूव्ड बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन। जो भी अर्जेंट डिसीजंस होते हैं वो आपके सर्कुलेशन से अप्रूव किए जाते हैं। रेजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन आर डीम्ड टू बी पास्ड एट ड्यूली कन्वीन मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड हैव इक्वल अथॉरिटी, ठीक है, वेयर एटलीस्ट 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन डिसाइडेड बाय द मीटिंग, चेयरमैन शैल पुट द रेजोल्यूशन फॉर कंसीडरेशन at the meeting of the board, interested director shall be excluded for the purpose to remain the above 1/3 of the directors. Obviously, ये तो हम करेंगे, ठीक है, तो same चीज चलती है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। A resolution proposed to be passed by circulation shall be sent in draft together with the necessary papers and the notes explaining all the details related to the proposal to all the directors, including interested directors, on the same day by hand or speed post or by registered post or by courier or by email or by any electronic means. Here courier is not allowed, but in case of notice of normal board meeting, courier is not allowed. हाँ, मतलब courier यहाँ पे allowed होता है, but normal meeting में courier आपका allowed नहीं होता, तो ये भी एक main point है, इस पे question आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, कि normally आपकी जो meeting होती है, उसमें आपका courier allowed नहीं होता है, but यहाँ पे urgent matter है, इसलिए हम इसको circulate कर रहे हैं, ठीक है, तो ये resolution में आपका courier allowed है। Maximum 7 days from the date of circulation shall be given to directors to provide their opinion on the
रेजोल्यूशन सर्कुलेटेड, एडिशनल टू डेज शैल बी गिवन रेजोल्यूशन सर्कुलेटेड स्पीड पोस्ट वगैरह वगैरह। तो 7 डेज का टाइम देंगे कि आप अपनी ओपिनियन दे दो, 2 डेज आप उसमें ऐड कर लेना अगर आपने वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह से भेजा। रेजोल्यूशन इज पास व्हेन इट्स अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड टू बोर्ड रेजोल्यूशन एक्सेप्ट वेयर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन डिसाइडेड बाय द मीटिंग। देखो सबसे अगर मैं एक वर्ड में वो करूँ इसको पूरा कंक्लूड, तो सर्कुलेशन रेजोल्यूशन में सर्कुलेशन क्या होता है, जब आपके अर्जेंट मैटर्स होते हैं तो आपको फटाफट भेजना होता है, क्योंकि 7 दिन का नोटिस बुलाओगे फिर करोगे, आपको अर्जेंट बेसिस पे डिसीजन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो उसमें सारी चीजें सेम होती हैं। एक तो जो डायरेक्टर्स हैं सबको भेजा जाएगा, बट उनका जो हम काउंट करेंगे जब अप्रूवल आएगा, तो जो अप्रूवल काउंट करेंगे उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का हटा देंगे। प्लस जब हम इसको सेंड करेंगे तो हम कैसे भी सेंड कर सकते हैं, बट कोविड इसमें अलाउड है। फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट, ऑब्वियसली वो तो वोट ही नहीं करेंगे तो काउंट भी नहीं होगा। द रेजोल्यूशन इफ पास शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द अर्लियर ऑफ, तो जो रेजोल्यूशन आपका पास हुआ वो अर्लियर ऑफ होना चाहिए 2 के। एक तो डेट स्पेसिफाई होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल 13th May आपको तब तक दे देने चाहिए, ठीक है, 7 डेज का टाइम दिया था ना, तो 13th May मान लो उसको, या फिर जिस दिन आपकी असेंट या डिसेंट आनी थी, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर से तो आ गई बट आगे जो लोग हैं उन्होंने नहीं दी, ठीक है, तो वोट शैल नॉट बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब पूरे लोगों ने नहीं दी, जितनी रिक्वायर्ड थी उतने लोगों ने नहीं दी। डायरेक्टर्स शैल सिग्निफाई देयर असेंट और डिसेंट बाय साइनिंग द रेजोल्यूशन टू बी पास बाय सर्कुलेशन और ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द डेट ऑन विच दे हैव साइंड द रेजोल्यूशन। इन केस द डायरेक्टर डज नॉट अपॉइंट अ डेट, द डेट ऑन द ऑफ रिसीप्ट ऑफ द कंपनी और साइन रेजोल्यूशन शैल बी टेकन एज ऑन डेट ऑफ साइनिंग। इन केस द डायरेक्टर डज नॉट रिस्पॉन्ड ऑन और बिफोर द लास्ट डे स्पेसिफाइड सिग्निफाई एसेंट डिसेंट ही शैल बी प्रिज्यूम टू बी डायरेक्टर हैज एब्सटेन फ्रॉम द मीटिंग। अगर उसने कुछ नहीं करा, कुछ एक्टिविटी ही नहीं करी, तो माना जाएगा कि वो एब्सटेन है। इफ द अप्रूवल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट इज नॉट रिसीव्ड बाय द लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर रिसीप्ट ऑफ सच अप्रूवल, द रेजोल्यूशन शैल बी कंसीडर्ड नॉट पास्ड, ठीक है। रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन शैल नॉट बी नोटेड सब्सिक्वेंट मीटिंग, शैल बी नोटेड सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड नेक्स्ट डे ऑफ द रिसेंट एब्सटेंशन इफ एनी शैल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द सच मीटिंग। Resolution passed by circulation shall be deemed to be passed at the board meeting, but the requirement of meeting specified interval shall still applicable 4 times in a calendar year. ठीक है? Now the last topic is minutes. Every company shall keep minutes of the board of board and committee of the in minutes book. ठीक है? A distinct minute book shall be maintained for the meeting of the board of such each of the committees. Minutes may be maintained in electronic form with timestamp. देखो, इस तरीके का ना एक paper होता है, ठीक है? वो normal A4 sheet पे नहीं होती print. मिनट्स बुक अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको अलग टाइप की शीट दिखेंगी, उस पे मिनट्स प्रिंट होते हैं एंड कोई उस कंपनी का लेटर हेड नहीं होता, ठीक है। पेजेस ऑफ द मिनट्स शैल बी कंसीक्वेंटली नंबर्ड, अ कंपनी शैल फॉलो अ कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग द मिनट्स, एनी डेविएशन इन सच फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस शैल बी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मिनट्स बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपकी चीजें हुई है मीटिंग में वो सारी आपको पास्ट टेंस में लिखनी होती है, ठीक है। मिनट्स शैल नॉट बी पेस्टेड और अटैच्ड इन द मिनट्स बुक और टेम्पर्ड विद एनी अदर एनी मैनर।